हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 5वीं की एमपी बोर्ड की गणित का पहला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो इसके बारे में दिया हुआ है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, जो खास खास है वही हम देखेंगे। इधर मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो, तो ये तो आप देख लेना। चलो हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। प्रश्न दिया है, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सबसे छोटी मछली लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? तो कितनी लंबी? 18 मीटर। यहाँ पे 18 है और ये एम यानी कि मीटर है। तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी लंबी मछली के बारे में सोच सकते हो? 18 मीटर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारी बड़ी मछली सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है, ठीक है। तो देखो, सबसे छोटी मछली से कितने गुना लंबी है तुम्हारी मछली? हमने देखो, ये हमारी सबसे छोटी मछली कितनी थी? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी मछली कितनी है? 18 मीटर। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 18 को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमको पता है कि देखिए, हम इसको कैसे करेंगे। हम इधर इसको सॉल्व करेंगे कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 18 मीटर बराबर क्या हो जाएगा? 18 का गुणा हम 100 में कर देंगे, ठीक है। 18 का गुणा हम क्या कर देंगे? 100 में कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी मछली बेल शार्क है। वास्तव में यह बेल नहीं बल्कि बहुत बड़ी मछली है। जो मछली है ये क्या है? बहुत बड़ी मछली है। बेल मछलियों में से अलग होती है। ये जो मछली है वो मछलियों से अलग होती है। बेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है। हमको पता है कि जो दूसरी मछलियाँ रहती हैं वो गलफड़ों से सांस लेती है, लेकिन जो ये वाली मछली है वे किससे सांस लेती है? नाक से। ये एग्जाम में भी आ सकता है कि कौन सी मछली नाक से सांस लेती है, तो हमें इसका उत्तर लिखना पड़ेगा, वेल शार्क। लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती है, वे पानी लेती हैं, हवा नहीं, ठीक है। बेल बच्चों को जन्म देती हैं लेकिन मछली अंडे देती है। अब देखो, इसकी दो खासियत हो गई। पहली तो ये नाक से सांस लेती है, और दूसरी ये बच्चों को जन्म देती है, ठीक है। बेल शार्क बड़ी और खतरनाक दिखाई देती है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, और यह मनुष्य पर हमला भी नहीं करती है। तो देखिए, एक बेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है। अभी हमने पढ़ा था सबसे बड़ी मछली कितनी होती है? 18 मीटर लंबी। तो ये बेल शार्क ये कितनी होगी? 18 मीटर लंबी होती है। जरा सोचो, यह कितनी लंबी होगी? तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने की लंबाई, मतलब आपके बराबर के जो बच्चे हैं उनको 12 बच्चे खड़ा कर दो, इतनी लंबी ये मछली होती है। अंदाजा लगाओ इसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज्यादा। इसका वजन लगभग कितना है? 16,000 किलोग्राम। कितना है इसका? 16,000 किलोग्राम। अब देखिए, तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है? तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना है हमारा वजन? 25 किलोग्राम, ठीक है। इसमें ये भर देना, तुम्हारी ही तरह के 12 बच्चों का वजन कितना होगा? तो हमको क्या करना है? 25 में 12 का गुणा करना है। तो हम 25 में 12 का गुणा करना आपको आता ही होगा, नहीं आता होगा तो देखो बच्चों, ऐसे करेंगे हम, इधर लिख देंगे हम 25 और इधर लिख देंगे हम 12, ठीक है। 12 का गुणा, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, पढ़ो। 12 एकम 12, 12 दून 24, 12 तीय 36, 12 चौ 48, 12 पंजे 60, 60 की 0 हसिलाई 6। 12 का गुणा 2 बार करेंगे, 12 सॉरी 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़े तो
कितने हो जाएंगे, 30, मतलब 300। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे, 300 किलोग्राम। बेल शार्क का वजन कितना है, 16,000 बताया था अभी हमने पढ़ा। तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से कितना ज़्यादा होगा। अब देखो बेल शार्क का वजन कितना है, 16,000। आपके जैसे 12 बच्चों का वजन कितना है, 300 ग्राम। तो 16,000 में से 300 किलोग्राम को हम घटा देंगे, तो ये हमने घटा दिया है। देखिए आप इसको भी करके देख लीजिए, इधर ये लिखना है यहाँ पे 16,000, और इधर लिखेंगे हम 300। इसको क्या करना है, हमको घटाना है। तो देखो 0 में से 0, 0 में से 0। अब देखो इधर देखिएगा, अब 0 में से 3 तो जाएंगे नहीं, ठीक है, तो हमको क्या करना है, 6 में से 1 उधार लेना पड़ेगा। इसने उधार ले लिया तो ये हो गए 10, और इधर 6 की जगह क्या हो जाएंगे, 5, क्योंकि 1 उधार चला गया है ना। जब इधर उधार चला गया ये 1, तो इसमें 1 कम हो गया, तो इधर बचेंगे 5 और इधर हो जाएंगे 10। 10 में से 3 गए तो कितने बचे, 7। 5 के 5 ऐसे ही लिख देंगे और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इतना वजन ज़्यादा होगा, 15,700 है। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे हम। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये आपको प्रयोगी करना है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं 40 से 50 मीटर तक। ठीक है, इतनी ऊंची उठ सकती है। नीचे आते हैं, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव पर बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। ऐसे ऐसे होती है, हिलती डुलती रहती है वो नाव। ठीक है, मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपनी लकड़ी के पट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में जाते हैं। अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ ऊंची लहरें उठ रही हों, तो इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लकड़ी के पट्टों, ये देखो ये लकड़ी के पट्टे हैं, ठीक है, से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जाती है ना। यदि हवा साथ दे तो नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक जा सकती है। मतलब ये ज़्यादा दूर नहीं जाती है, कम ही जा पाती है। इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, 10 किलोमीटर तक जाने में इसे कितना समय लगेगा। ठीक है, मतलब जो ये नाव है इसको 10 किलोमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। तो चलो बच्चों ये हम निकालते हैं कि 10 किलोमीटर तक जाने में इसे कितना समय लगेगा। कितना, 10 किलोमीटर, 1 घंटे में ये कितनी जा रही है, 1 घंटे में कितनी जा रही है, ये बराबर 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 10 किलोमीटर हमको निकालना है ना। 10 किलोमीटर क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, तो 2 घंटे में कितनी चली जाएगी, 8 किलोमीटर। ठीक है, तो कितने किलोमीटर और बचे। अब देखो 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रही है, तो आधे घंटे में कितने जाएगी, 2 किलोमीटर। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आधे घंटे में कितने जाएगी, 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर और बचे, मतलब 2 घंटे में तो ये 8 किलोमीटर जा रही है, 2 किलोमीटर और बचा जो आधा घंटा में चली जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। आधे घंटे को हम क्या लिखते हैं, 30 मिनट। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटे और 30 मिनट। तो मतलब 10 किलोमीटर तक जाने के लिए इसको क्या लगेंगे, 2 घंटे 30 मिनट। अगला है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितने दूर जा सकते हो। कितने जा सकते हो, 3-4 किलोमीटर। ये तो आप मन से लिख सकते हो, आप जितना चल सकते हो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, इधर आते हैं हम, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हम में से बहुत से तो समुद्र में रास्ता भूल जाएंगे है ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं है किधर जाना है। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं।
सूरज की ओर देखो, पता करो वह किस दिशा में उगता है। तो सूरज किस दिशा में उगता है? पूर्व में। आप लिख सकते हो सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो, देखो तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मजेदार चीजें। तो आप लिख सकते हो सूर्य उगता हुआ दिख रहा है, सूर्य उगता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अपने पश्चिम की ओर देखने वाली दो चीजों के नाम लिखो। तो आप लिख सकते हो क्या क्या दिख रहा है आपको। मान लो कि कुछ भी दिख सकता है, घर भी दिख सकता है, पेड़ भी दिख सकता है, मकान भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। ठीक है, नीचे आते हैं। वाह कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछली मिल सके। जो मछुआरे होते हैं वो उस जगह को ज़्यादा ढूंढेंगे जहाँ उनको ज़्यादा मछली मिल सके, क्योंकि वो तो मछलियों को ही खाते हैं, मछलियों को ही बेच के उनका व्यापार होता है, क्योंकि घर गृहस्थी चलती है ना। तो वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में लाने के लिए कई घंटों का इंतजार करना पड़ता है। तो अलग अलग तरह की नाव देखो। ठीक है, तो ये नाव तो ये देखिए आप, जैसे कि चंपू वाली बोट है ये, ठीक है, और ये लॉन्ग बोट है, लकड़ी की बनी होती है ऐसे, मतलब ऐसे मोटर बोट होती है जो मोटर लगी होती है उसमें, इस तरह से। कुछ नाव में मोटर लगी होती है, वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। ठीक है, समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछली मिल जाती है। मोटर में लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। मतलब ये 1 घंटे में कितनी चली जाती हैं? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद करना, ध्यान रखना है कि ये 1 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है। मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? अब 1 घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर, तो 3.5 घंटे में कितनी दूर जाएगी? तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे कि 1 घंटे, 1 घंटे में कितनी जा रही है? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो 3.5 घंटे, देखो ये 3 हो गया और ये 1/2, आधा, ये हो गया 3.5। ठीक है, घंटे में जाएगी, कितनी जाएगी? देखो 3 का गुणा 20 में करेंगे हम, प्लस 1/2 का गुणा भी हमको क्या करना है? 20 में करना है। ठीक है, ये वो, ये 3 का गुणा हम डायरेक्ट 20 में करेंगे और 1/2 का गुणा भी हम 20 से करेंगे। तो देखो 3 का गुणा 20 में किया, 3 दूनी 6, 60 हो गया। प्लस अब देखो 1 का गुणा 20 में किया तो 20/2। ठीक है, अब यहाँ से ये कट जाएगा। देखो 2 का हम 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार। तो यहाँ हो जाएगा 60+10, तो बराबर 60 और 10 कितने होते हैं? 70। 70 किलोमीटर, ये हमारा आंसर। प्रश्न दिया है 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब जैसे 20 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगता है, तो अगर 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा, तो इसे हम सोल्व करके बताएंगे। ठीक है, देखिए, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। सोल्व, हमको पता है 20 किलोमीटर कितनी देर में जा रही है? 1 घंटे में। ठीक है, तो 85 किलोमीटर कितने में जाएगी? सॉरी, इधर किलोमीटर है, ये किलोजी नहीं है। तो 85 किलोमीटर कितने में जाएगी हमको ज्ञात करना है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 85 को 80+5 किलोमीटर बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 20 किलोमीटर कितने में जा रही है? 1 घंटे में, है ना। तो 80 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी बताओ आप। जब 20 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही है, तो 80 किलोमीटर, देखो 20 किलोमीटर 1 घंटे में गई, 40 किलोमीटर कितने में जाएगी? 2 घंटे में।
60 किलोमीटर कितने में जाएगी? 3 घंटे में। तो 80 किलोमीटर कितने में जाएगी? 4 घंटे में। तो हम लिख सकते हैं तो 80 किलोमीटर कितने में जाएगी? 4 घंटे में। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं 80 किलोमीटर कितने में जाएगी? 4 घंटे में। ठीक है, तो 5 किलोमीटर में लगेगा। अब ये क्या वजह, 80 का निकल गया, अब 5 का निकालो। तो 5 किलोमीटर में लगा समय, आपको क्या करना है? तो 1 घंटे 60 में 4 का भाग दे देना है। ठीक है, ये मिनट में आंसर निकालना है हमको। ठीक है, तो 60 में 4 से भाग देंगे, तो देखिए 60 का 4 में भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 15, 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 85 किलोमीटर। जाने के लिए हमको कितना समय लगेगा? 4 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो बच्चों यह यहाँ पर ही हम समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।